नमः सिद्धेभ्यः ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी भावों से मांगी दुंगी पर्वत पर पहुँचे और श्री सबदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम रीम श्री सबदेवाय नमः। ओम रीम श्री सबदेवाय नमः। पुनश्च विश्व शांति के प्रथम अवतार ऐसे ऋषभदेव जहाँ जन्मे हैं उनकी जन्मभूमि में भी भावों से पहुँचे ओम रीम विश्व शांति कराय श्री सबदेवाय नमः। ओम रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम रीम नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम रीम नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च अक्षय तृतीया व्रत की ओर चलेंगे। ओम रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्तायो। ओम रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्तायो। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च गुरु नाम गुरु के श्री चरणों में ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने नमः। ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने नमः। मैं बताता हूँ, नवग्रह शांति को करने वाले नवग्रहों के शांति के विधाता यद्यपि सभी तीर्थंकर हैं और एक एक तीर्थंकर भी सभी ग्रहों की शांति के लिए हैं, फिर भी व्यवहार की अपेक्षा से ही आचार्यों ने उन एक एक ग्रहों के शांति के लिए ऐसे नव तीर्थंकर भगवंतों के नाम बताए हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनका दर्शन आप प्रतिदिन करते हैं, रोज अभिषेक देखते हैं और कई जगह उनके तीर्थ बन गए हैं, आपने उन दर्शन किए हैं। अब मैं आपको ले चलूँ नवग्रह शांति के लिए 24 तीर्थंकर जो हैं उनका जो काव्य है बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है, संभवतः आप लोग भी हो सकता है पढ़ते हों। जगद्गुरुं नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरु भाषितं गृह शांतिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे। दिनेन्द्रः खेतराज्ञया पूजनीया विधिक्रमात् पुष्पैर्विलेपनैर्धूपैर्नैवेद्यैर्दृष्टिहेतवे। अब बताते हैं, पद्मप्रभस्य मार्तण्डश्चन्द्रः चन्द्रग्रहस्य च वासपूज्यस्य भूपुत्रो उधश्चाष्टजिनेशिनाम्। आदित्य ग्रह मार्तंड यानी सूर्य, सूर्य ग्रह की शांति के लिए, आदित्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य, मार्तंड, आदित्य ये सब पर्यायवाची नाम है, भास्कर आदि के अनेक नाम है। तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए पद्मप्रभु भगवान की पूजा बताई है, उनकी प्रतिमा विराजमान है यहाँ। और चंद्रह चंद्र प्रवस्थित चंद्र ग्रह सोम ग्रह की शांति के लिए, सोम ग्रह की शांति के लिए चंद्र पर भगवान हैं। ये सूर्य और चंद्रमा आप जानते हैं ज्योतिर्वासी देव। वासपूज्यस्य भूपुत्रो बुधश्च अष्टे जिनेशराम। भूपुत्र यानी मंगल, मंगल ग्रह का नाम भूपुत्र भी है। तो मंगल ग्रह की शांति के लिए वासपूज भगवान का स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनका मंत्र जाप्य है। और बुध ग्रह की शांति के लिए 8 तीर्थंकर भगवंत के नाम हैं। 24 तीर्थंकरों में जो नवग्रह की शांति के लिए 24 तीर्थंकर जहाँ लिए हैं उसी स्तोत्र में तो 8 तीर्थंकरों के नाम हैं, क्रमशः विमलानंद धर्माराहा शांति कुंथुर नमिस तथा वर्धमान जिनेन्द्रस्य पाद पद्मं बुधे बुधौ नमेत। बुध ग्रह की शांति के लिए विमल अनंत धर्म, विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ पुनः शांतिनाथ कुंथनाथ और अरनाथ, ये 6 तीर्थंकर हुए।
विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ और नवीनाथ और वर्धमान जिनेन्द्र, नवीनाथ और महावीर स्वामी, इन आठ तीर्थंकरों के नाम बुध ग्रह की शांति के लिए हैं। आठ तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएँ बुध ग्रह के लिए, बुध ग्रह की शांति के लिए विराजमान की जाएंगी। ऋषभाजित सुपार्श्वाहा स्वाभिनंदन शीतलौ सुमति संभव स्वामी श्रेय श्रेयश्च बृहस्पति। गुरु ग्रह की शांति के लिए बृहस्पति यानी गुरु, गुरु ग्रह की शांति के लिए ऋषभनाथ, अजितनाथ और संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, ये पांच तीर्थंकर क्रम से हैं, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पुनश्च सुपार्श्वनाथ और शीतलनाथ और श्रेयांशनाथ। ये आठ तीर्थंकर गुरु ग्रह की शांति के लिए माने गए हैं। इन आठ तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ गुरु ग्रह की शांति के लिए अभी समय शिखर में आचार्य शांतार धाम में जो मंदिर बन रहा है उसमें विराजमान होंगी। पाँच पाँच इंच की प्रतिमाएँ तो मैंने हस्तापुर में विराजमान कराई हैं। सुविधि कथिता शुक्रे सुब्रत शनिश्चरई जो नेविनाथ भवेद राहो केतुर केतुश्च मल्लिपार्श्वयो हो। सुविधि शुक्रे, शुक्र ग्रह की शांति के लिए पुष्पवंतनाथ भगवान, पुष्पवंतनाथ भगवान का सुविधि नाम भी है, सुविधिनाथ, सुविधिनाथ पुष्पवंतनाथ पर्यायवाची नाम है एक तीर्थंकर के। तो शुक्र ग्रह की शांति के लिए पुष्पवंतनाथ भगवान और शनिश्चरे सुव्रतश्च और शनि ग्रह की शांति के लिए मुनिसुव्रत भगवान, इनकी तो प्रसिद्धि विशेष रूप में है सर्वत्र। शनि ग्रह की शांति के लिए मुनिसुव्रत भगवान की पूजा करते हैं। हस्तनापुर में ऋषभदेवपुरम में भी नवग्रह भगवान विराजमान है, नवग्रह की शांति के लिए उसमें मुनिसुव्रत भगवान की पूजा शनि ग्रह की शांति के लिए रोज करते हैं। पैठन में अनेक स्थलों पर कुंडलपुर में शनि ग्रह की शांति के लिए मुनिसुव्रत भगवान की आराधना करने के लिए लोग पहुँचते हैं आदि। और अपने अपने मंदिरों में तो सब जगह मुनिसुव्रत भगवान रहते ही हैं। मुनिसुव्रत भगवान की जन्मभूमि राजगृही में जहाँ चार किनारक उनके हुए हैं वहाँ मुनिसुव्रत भगवान लगभग 11 फुट के विराजमान है। खड़गासन उनका मंदिर स्वतंत्र बना हुआ है। भव्यात्मा इस प्रकार से शनि ग्रह की शांति के लिए मुनिसुव्रत भगवान, राहु ग्रह की शांति के लिए नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान को राहु ग्रह की शांति के लिए पूजा जाता है, उनका मंत्र जपा जाता है। और केतु ग्रह की शांति के लिए मल्लिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान, दो भगवान हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों में ये क्रम विभक्त किया है पूर्वाचार्य ने। जन्म लग्नम च राशिश्च यदि पीड़यंत खेचराहा तदा संपूजये धीमान केचरान सहतान जिनान। ये कहते हैं जन्म लग्न में या राशि में, यदि जन्म लग्न या राशि आदि में ये ग्रहों की पीड़ा, उन निमित्त से ग्रहों की पीड़ा होती है, ग्रहों के निमित्त से कष्ट होता है, तो बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि इन भगवंतों की पूजा करें, इन ग्रहों सहित इन तीर्थंकरों की पूजा करें। अभी कुंडलपुर में आदि जो नवग्रह मंदिर बने हैं उनमें ऊपर कमल पर भगवान विराजमान है और कमल के नीचे नाल पर उन ग्रहों की प्रतिमाएं भी दिखाई गई हैं, बनाई गई हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रहों की बात 24 तीर्थंकरों में इसी प्रकार से है। आदित्य सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ही राहु केतु मेरवाग्रह यो दिन पूजा विधाय कहा। सूर्य ग्रह आदित्य यानी सूर्य ग्रह, सोम यानी सोम ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन इनके
ग्रहों के शांति के लिए, ग्रहों की अनुकूलता के लिए दिनेंद्र भगवान की पूजा करना चाहिए। दिनागारे गतकृत्वा ग्रहणाम तुष्टि हेतवे नमस्कार सतम भक्त्या जपे दष्टोत्तरम सतम। ये कहते हैं मंदिर में जा करके, दिनागारे यानी मंदिर में जा करके ग्रहों की तुष्टि के लिए, ग्रहों की संतुष्टि के लिए नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र का भी अष्टोत्तरम शतम जपे भक्त्या, भक्तिपूर्वक 108 बार जाप करे अर्थात एक माला नमोकार मंत्र की जपे। भद्रबाहु गुरुर्वाग्मी पंचमहासत केवली विद्या प्रसाद तथा पूर्व ग्रह शांति विधि कृता। ये इस काव्य की रचना करने वाले जो भी हों, उनका नाम हमें पता नहीं है, अज्ञात है, इसमें दिया नहीं है, वो कहते हैं कि भद्रबाहु गुरु जो हुए हैं अंतिम श्रुत केवली, पाँचवीं श्रुत केवली हुए हैं। ये पांच श्रुत केवली जो हुए हैं उनमें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। इनके विद्या प्रसाद, विद्यानुप्रवाद पूरादि ग्रंथ के आधार से, इनकी विद्या के प्रसाद से पूर्व में जो गृह शांति की विधि बताई गई है यही यहाँ पर मैंने दी है, ऐसा इनका कहना है। यानी इन्होंने भद्रबाहु आचार्य के आज्ञा अनुसार ही, उनकी उनके ग्रंथों के अनुसार ही ये श्लोक, ये पाठ, स्तोत्र पाठ बनाया है। यहाँ पठे प्रातर उत्थाय शुचिर्भूत्वा समाहितः विपत्तितो भवेत् शान्तिः क्षेमः क्षेमं तस्य पदे पदे। ये कविकार कहते हैं इस श्लोक के, इस स्तोत्र के रचनाकार, वो कहते हैं जो भव्य प्रातःकाल उठ करके और शुचिर्भूत्वा यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर के और एकाग्रमना होकर के, समाहिता एकाग्रमना होकर के इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, या पठेत जो पढ़ते हैं तस्य विपत्ति तो भवेत् शांति, उनकी संपूर्ण विपत्तियों से शांति हो जाती है, अर्थात सभी विपत्तियों से छुटकारा पा लेते हैं और शांति प्राप्त कर लेते हैं। और पदे पदे शांत क्षेमम शांति ही, पद पद पर शांति और क्षेम का अनुभव करते हैं। पद पद पर शांति होती है, क्षेम होता है। जो प्रातःकाल उठ करके पवित्र होकर शुचिर्भूत यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर के और इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, हर एक विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और पद पद पर उन्हें शांति और क्षेम होता है। इस प्रकार से इस स्तोत्र के रचनाकार ने बहुत ही सुंदर काव्य किया है। ये 11 श्लोक है मात्र, मैं तो कहूँगी प्रतिदिन आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। यानी क्रमशः आप देखें तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए पद्मप्रभु भगवान की पूजा, सोम ग्रह की शांति के लिए चंद्रप्रभु भगवान, मंगल ग्रह की शांति के लिए वासुपुज भगवान, ये तीन, तो तीन ग्रह की शांति के लिए एक एक भगवान के नाम आए हैं। उसमें नवग्रह की शांति में भी यही नाम है। पुनश्च बुध ग्रह की शांति के लिए 8 तीर्थंकर हैं, विमल आनंद धर्म शांति कुंतु अर नमी और वर्धमान, ये 8 तीर्थंकर ऐसे माने हैं। और गुरु ग्रह की शांति के लिए विमल आनंद धर्म शांति कुंतु अर नमी और ऋषभवजी संभव अभिनंदन सुमति और सुपार्श्वनाथ शीतलनाथ और श्रीरामनाथ, ये 8 तीर्थंकर गुरु ग्रह की शांति के लिए माने हैं। पुनः पुष्पदंत शुक्र ग्रह की शांति के लिए पुष्पदंत भगवान का एक अकेला एक नाम है। और शनि ग्रह की शांति के लिए मत्स्य भगवान, राहु ग्रह की शांति के लिए नेमिनाथ भगवान, ये भी एक एक माने इनमें। और पुनश्च केतु ग्रह की शांति के लिए 2 भगवान के नाम आए हैं, मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ। इस प्रकार से 24 तीर्थंकर भगवंतों को इन नवग्रहों की शांति में लिया है। ये स्तोत्र पाठ इन्होंने कहा है कि ये पंचमे सुत केवली जो भद्रबाहु हुए हैं उन्हीं की कृपा से और उनकी विद्या के प्रसाद से मैंने बताया है, अर्थात भद्रबाहु आचार्य के वचनानुसार ही इन्होंने ये स्तोत्र बनाया है। तो भव्यात्माओं,
इस बात को हमें चिंतन करना, ध्यान देना है कि ऐसे ऐसे आचार्यों के लिए हम ये कहते हैं कि नवग्रह की पूजा मिथ्यात्व तो है, नवग्रह के मंदिर नहीं होना आदि, या नवग्रह की अरिष्ट को दूर करने के लिए भगवंतों की पूजा नहीं करना चाहिए आदि जो कह देते हैं, ये सर्वथा गलत है। और एक बात और ध्यान में रखें, जो प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथ हैं अत्यंत प्रामाणिक, और आचार्य श्री वीरसार महाराज ने जिनकी आज्ञा से हमारे संघ में प्रतिष्ठाचार्य सूरज में जी ब्रह्मचारी आदि, और वर्तमान के प्रतिष्ठाचार्य जो जिन्हें हमने पढ़ाया, इन सब में जो है यागमंडल में और हवन विधि आदि में नव देवता ये नवग्रहों के भी अर्घ चढ़ाए गए हैं, उनके भी अर्घ चढ़ाए गए हैं, ये मिथ्यात्व तो नहीं है, ये भी ध्यान में रखने का है। शासन देव देवी के जैसे अर्घ चढ़ाए जाते हैं वैसे नवग्रहों के लिए और 24 यक्ष और 24 यक्षिणियों के लिए भी अर्घ चढ़ाए गए हैं, तो उनकी पूजा साक्षात भगवंतों की पूजा के समान न होकर के, साक्षात भगवान मानकर न होकर के, आगम की आज्ञा के अनुसार उन्हें अर्घ समर्पित करना आदि मिथ्यात्व तो नहीं है। जो बृहद शांति धारा आती है, बहुत प्राचीन हमें उपलब्ध हुई थी और जिसे प्राचीन समय से सन 1954 से मैंने पाया था बचपन से और उसको प्रकाशित किया है, वो बड़ी शांति धारा कराई जाती है, उसमें भी ग्रह के नाम, शासन देव देवी आदि के नाम और सौधर्मादी देवों के नाम आ जाते हैं, वो केवल प्रियंताम प्रियंताम करके आते हैं आदि, तो ये सब मिथ्यात्व तो नहीं है। इन बातों को ध्यान में देना, जैन शासन में प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में, बृह शांति धारा में और इन नवग्रहों में जो नाम आते हैं हवन विधि आदिकों में, उनके लिए अर्घ समर्पित आदि करना मिथ्यात्व कथमपि मिथ्यात्व नहीं है। वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्य मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने वाले नहीं थे। आज के विद्वान को सोचना चाहिए कि पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्यों को, उनकी आज्ञा के पालने वालों को मिथ्यादृष्टि कह देना ये बहुत बड़ा अति साहस है। कभी भी जो है प्रवचन की सभा में, शास्त्र की सभा में और अपनी लेखनी से ऐसे शब्द कभी भी नहीं होना चाहिए जो पूर्वाचार्यों के विरोध में हों और पूर्वाचार्यों को ही मिथ्यादृष्टि कह दें या उन्हें अपमानित करें आदि, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्रों के आलोक में, परिप्रेक्ष्य में आगम का अध्ययन और आलोलन करके और आचार्य शांतिसार महाराज जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम और आप सम्यक दृष्टि हैं और निश्चित ही आचार्यों के वचनों को प्रमाण मानकर, क्योंकि कहा है कि सुत्तादोतम सम्मम दर्शित जंतम जदान सदी सोचे होए मिच्छा इठी जीव तदोपवधि आदि, तो हमें आचार्यों की आज्ञा का पालन करके उस पर श्रद्धा करना चाहिए। किन्हीं ने सूत्र को दिखा दिया, शास्त्र को दिखा दिया, उसको नहीं मानने वाला, उसी समय से आचार्य ने कहा कि वो समय से छूट जाता है, मिथ्यात्व में चला जाता है। इसलिए आचार्यों की आज्ञा, उनके वचन हमारे लिए हमेशा प्रमाण है। इसी भावना के साथ, इसी प्रेरणा के साथ सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, ये है निजवाणी और जिनवाणी में अंतर। निजवाणी में कहीं राग द्वेष भी आ सकता है, लेकिन जिनवाणी राग द्वेष से रहित प्राणी मात्र के हित को बतलाने वाली होती है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो भी कुछ आपको बताती हैं ये जिनवाणी होती है, और जिनवाणी कभी भी पक्षपात नहीं करती है। इसलिए आप जो भी सुने उसको हृदयंगम करें। शास्त्रीय प्रमाण के साथ इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है, क्योंकि आजकल न जाने कहाँ कहाँ भव्य आत्मा सब भटक रहे हैं, उनमें अपने जैन धर्म की वाणी को श्रवण करके और अपनी श्रद्धा को
हमेशा दृढ़ बनाना चाहिए।